ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करो, हमारे हक में ऑर्डर्स इशू करो, हमारे हक में ऑर्डर्स इशू करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जुडिशरी को एहतराम करो, जुडिशरी को एहतराम करो, जुडिशरी को एहतराम करो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करो, जुडिशरी को एहतराम करो, रेस्पेक्ट जुडिशरी, रेस्पेक्ट जुडिशरी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जुडिशरी जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कोर्ट ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर्स को हमारे हक में ऑर्डर्स इशू करो, हमारे हक में ऑर्डर्स इशू करो। वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। कोर्ट ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करो। जुडिशरी का अफसरशाही खत्म चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस, हमारा यहाँ आने का मकसद जो है, बार बार हम जो 2010 से लेके 2016 तक की जो एडवर्टाइजमेंट हुई है आरटीज टीचर को लेके, वो एडवर्टाइजमेंट होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जो थे वो उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो लग भी गए, वो परमिट भी हो गए। हमारे कुछ लोग ऐसे बचे उसमें जिनको कोर्ट के अंदर खाम हमें धकेल दिया गया। उस धकेलने का नतीजा ये निकला कि 2010 से लेके टिल डेट तक कोर्ट ने बार बार जजमेंट्स जो है वो हमारे हक में दी, लेकिन डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वो टस से मस नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ आने का मुद्दा और मकसद यही है कि हम गवर्नमेंट को ये चीज़ बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारा हक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे हक में डिसीजन दे रहा है, तो उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है और हमें धक्के खाने पे मजबूर किया जा रहा है। सितम जरीफी तो यह है कि हमारे अंदर इस वक्त जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपना एज लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन 10 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डिपार्टमेंट हमें कभी ये बोल रहा है कि आपकी फाइल सेक्रेटरी के अंदर है, कभी बोलता है लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है, कभी बोलता है हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो कानून नाम की, इंसाफ नाम की कौन सी चीज जो है वो बाकी बची है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा और मकसद यहां आने का यही है कि गवर्नमेंट को हम ये बार बार ये कह रहे हैं और दोहार लगा रहे हैं कि हमारे हक में ऑर्डर्स इशू किए जाए और हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि जो हक हम मांग रहे हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं किया है कि जो हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। अब हम गवर्नमेंट से और स्पेशली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे हक में जल्द अज जल्द ऑर्डर्स इशू किए जाए, नहीं तो आगे चल के हम यहाँ ही पे डेरा डालेंगे। जब तक कि हमें ऑर्डर्स नहीं इशू होंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा बनता है तो हमें दे दे। अगर गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने बार बार ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जी आप इनको ऑर्डर्स दीजिए, आप इनको ऑर्डर्स दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफसरशाही जो है वो कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं।